अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम रीडिंग नंबर्स ग्रेड 4 प्लस में 12 नंबर के बारे में पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे कि 12 कैसा दिखता है, 12 ऑब्जेक्ट्स को कैसे काउंट करते हैं, 12 के स्पेलिंग्स क्या होते हैं और 12 को कैसे लिखते हैं। डियर टीचर्स, आपने बच्चे को 12 की आइडेंटिफिकेशन सिखानी है, उसको काउंट करना सिखाना है, 12 को बोलना सिखाना है और 12 को लिखना सिखाना है। लिखना सिखाने के लिए आप प्री राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा सकती हैं और जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइडेड राइटिंग बुक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू रीड द नंबर्स? यस, आई एम रेडी टू रीड एन अदर नंबर। So look at the number. What's the number say? I am 12 and I am amazing. Let's see what is amazing in number 12. So एक दिन क्या हुआ, मैं मार्केट गई। मैंने मार्केट में देखा कि बहुत सारे बनानास पड़े थे और मेरा बहुत दिल चाहा बनाना खाने का। मैंने सोचा कि मैं ना बनानास खरीदती हूँ। अब मैंने उससे पूछा कि बनानास किस तरह दोगे? उसने कहा कि मैं आपको डजन दूंगा। मैंने कहा डजन? फिर मेरे फादर ने मुझे बताया कि बेटा, बनानास जो होते हैं वो डजन में दिए जाते हैं और एक डजन में आपको पता है कितने बनानास होते हैं? 12। यस, आपने देखा होगा ना कि जब आपके घर बनानास आते हैं वो 12 होते हैं, एक गुच्छे में 12 बनानास होते हैं, क्योंकि बनानास डजन के हिसाब से सेल होते हैं और डजन में कितने होते हैं? 12। वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे बताओ कि और कौन सा फ्रूट होता है जो डजन के हिसाब से सेल होता है? कौन सा? जी, ऑरेंजेस। जब भी हम मार्केट में ऑरेंजेस खरीदने जाते हैं तब भी शॉपकीपर्स कहते हैं कि हम आपको डजन देंगे, यानी कि 12 देंगे, एक डजन में 12 होते हैं। अच्छा, अब मुझे देख के बताओ कि ये क्या नजर आ रहा है? आपको याद है मैंने आपको कहा था आपने नाश्ते में ये जरूर खाने हैं ताकि आपको एनर्जी मिले, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है। जी, मैं एग्स की बात कर रही हूँ। वेरी नाइस। अब मैं आपको एग्स के बारे में एक और बात बताती हूँ। इनके अंदर ना सिर्फ प्रोटीन होता है और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये भी डजन के हिसाब से सेल होते हैं, यानी कि 12 के हिसाब से सेल होते हैं। देखा, 12 नंबर कितना अमेजिंग है। तो चलो, अब आप मेरे साथ इन एग्स को काउंट करो, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or 12. Very nice. पूरे 12 eggs, यानी कि 1 dozen eggs. Very nice. अब हम क्या करते हैं, हम 12 को repeat करते हैं। क्या number है ये? 12. जब आपकी मामा ने आपको 10 रुपीज़ दे दिए और साथ 2 रुपीज़ का एक कॉइन दे दिया तो आप बड़े खुश हो गए और आपने मामा को क्या कहना है कि मामा, मेरे पास 10 और 2 12 रुपीज़ हैं। वेरी नाइस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने 12 के स्पेलिंग्स कैसे याद करने हैं। चलो मेरे साथ 12 के स्पेलिंग्स पढ़ो। TWELVE 12. Very good. TWELVE 12. Very nice. अब मैं आपको सिखाऊंगी कि 12 को लिखना कैसे है। बच्चों, आपको याद है मैंने आपको 1 लिखना सिखाया था? याद है ना कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्ट्रेट लाइन बनानी थी। क्या करना था? फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्ट्रेट लाइन बनानी थी। अब आपने 12 लिखने के लिए पहले 1 लिखना है और उसके साथ 2 लिख देना है। आपको तो 2 भी लिखना आता है। वेरी गुड। तो 1 and 2, 12। बस आपने इसी तरह 12 को लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। डियर टीचर्स, आपने बच्चे को इसी तरह सबसे पहले 12 की आइडेंटिफिकेशन सिखानी है,
12 नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और 12 बोलना सिखाना है। साथ ही साथ आप बच्चे को स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस भी करवा दें। अब बारी आएगी बच्चे को 12 लिखना सिखाने की। आपने लिखने के लिए बच्चे की सबसे पहले प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, जिससे बच्चा हवा में लिखेगा, अपने पार्टनर की बैक पर लिखेगा, अपनी कलाई पर लिखेगा, अपनी बुक के कवर पर लिखेगा, आपके प्रोवाइडेड सैंड ट्रे में लिखेगा। बार बार प्री राइटिंग प्रैक्टिस करने से जब वो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइडेड राइटिंग बुक्स पर 12 लिखने लगेगा तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप इसी तरह बच्चे को 12 लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगी, क्लासवर्क के अंदर क्लास का सेक्शन करवा देंगी और होमवर्क के लिए होमवर्क का सेक्शन दे देंगी। साथ ही साथ बच्चा वहाँ पे मौजूद ऑब्जेक्ट्स में जब कलर करेगा तो उनको काउंट भी करेगा, लिखना भी सीख जाएगा और काउंट करना भी सीख जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।